कोटपुतली में बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने युवाओं के हितों को लेकर काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। इस दौरान सैकड़ों युवाओं भी विधायक के साथ दौड़ते नजर आए। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बलजीत यादव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने बेरोजगार युवाओं, किसानों और मजदूरों के साथ कुठाराघात किया है। पेपर लीक मामले में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी देश भर के किसानों की हालत दयनीय है। उनको आज भी अपनी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। मेरी मांग है सरकार से 5 लाख सरकार भर्ती निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे और जैसे 22 राज्यों ने अलग अलग कानून बना के दूसरे राज्य के बच्चों को नौकरी पाने से रोक दिया और सारी नौकरी अपने राज्य के लड़कों के लिए रिजर्व कर लिए, उसी प्रकार से राजस्थान सरकार भी एक कानून बनाए, राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती होगी उसमें 90 से 100% मेरे राजस्थान के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, प्राइवेट कंपनियों में 75% तक नौकरियां मिलेंगी और सरकार ये पेपर लूट में शामिल है ऐसे लोगों को एनकाउंटर करेगी तभी ये घटनाएं रुकेंगी। किसान की फसल को पूरा दाम मिले, किसान के खेत तक पानी पहुंचे।